हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर मैं कॉम प्रेजेंट करने वाला हूँ मोटो E32S के साथ इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले का। देखेंगे दोनों फोन में से कौन सा फोन आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है 10,000 के नीचे। तो चलिए दोस्तों कॉम प्रेजेंट को स्टार्ट करते हैं पहले डिजाइन से। तो दोनों फोन का डिजाइन आपके सामने है, आप देख ही सकते हो, और दोनों फोन का कलर ऑप्शन आपके सामने है। बॉडी थिकनेस की बात करते हैं तो मोटो E32S का बॉडी देखने के लिए मिलता है 185 ग्राम का, थिकनेस देखने के लिए मिलता है 8.4 mm का। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं, अब आपको बॉडी देखने के लिए मिलता है 209 ग्राम का, थिकनेस देखने के लिए मिलता है 8.9 mm का। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो एक थिक एंड लाइट स्मार्टफोन देखने के लिए मिलता है मोटो E32S। और दोनों फोन में से आपको कौन सा फोन पसंद आया है कमेंट जरूर करें। कैमरे की बात करते हैं, मोटो E32S का रियर कैमरा देखने के लिए मिलता है 16 मेगापिक्सल का F2.2 अपर्चर के साथ, 2-2 मेगापिक्सल का मैक्रो डेप्थ सेंसर देखने के लिए मिलता है। साथ में फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। और मोटो E32S के रियर और फ्रंट कैमरा से आप फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे 30 fps पर। और इसके बाद इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं, तो अगर आपको मेन कैमरा 13 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिलता है F1.8 अपर्चर के साथ, और फ्रंट में आपको 8 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है। और इन्फिनिक्स के रियर और फ्रंट कैमरा से आप फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30 fps पर। तो फ्रेंड्स आप देख ही सकते हैं, पर कैमरे के मामले में मोटो E32S आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो मोटो E32S के अंदर आपको 6.5 इंच का एक HD प्लस डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। IPS LCD पैनल के साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर आपको ब्राइटनेस मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन आपको ब्राइटनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगा। और यहाँ पर आपको एक पंचोल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6.82 इंच का HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। और यहाँ पर आपको 480 निट्स का ब्राइटनेस देखने के लिए मिलता है, और AB डिस्प्ले आपको पंचोल डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख ही सकते हो दोनों ही डिस्प्ले पंचोल है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले के अंदर। तो फ्रेंड्स अगर आपको बड़ा डिस्प्ले पसंद है तो यहाँ पर आपके लिए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले बेहतर होने वाला है। बैटरी की बात करते हैं तो मोटो E32S के अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलती है 10W की चार्जिंग के साथ, लेकिन ये फोन आपका 15W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरी देखने के लिए मिलता है 10W की चार्जिंग के साथ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख ही सकते हो, यहाँ पर बैटरी बैकअप के मामले में आपका इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले बेहतर होने वाला है। OS एंड UI की बात करते हैं तो मोटो E32S के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 देखने के लिए मिलता है MyUX के साथ, जिसकी मदद से आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं, यहाँ पर आपको XOS देखने के लिए मिलता है एंड्रॉइड 11 के साथ। तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत एप्स और ब्लॉटवेयर देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर UI के मामले में आपका जो मोटो E32S है ये आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद प्रोसेसर की बात करते हैं तो मोटो E32S के अंदर आपको मीडियाटेक का हीलियो G37 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर फैब्रिकेशन पर है। और इसके अंदर आपको GPU देखने के लिए मिलता है PowerVR GE8320 एंटूथ स्कोर देखने के लिए मिलता है इसका 1 लाख के आसपास। और इसके अंदर आपको LPDDR4X RAM और eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाता है। इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है यूनिसॉक का T610। इसके अंदर आपको GPU देखने के लिए मिलता है Mali G52, और इसके अंदर आपको एंटूथ स्कोर देखने के लिए मिलता है 1.7 लाख प्लस, और LPDDR4X RAM और eMMC 5.1 का स्टोरेज टाइप देखने के लिए मिल जाता है। तो देख सकते हो यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में आपका जो इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले है ये आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर आप प्राइसिंग के हिसाब से गेमिंग भी कर पाएंगे। तो परफॉर्मेंस के मामले में इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले आपको बेहतर देखने के लिए मिलता है। और दूसरे फीचर्स की बात करते हैं तो दोनों फोन के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने के लिए मिल जाता है। मोटो पर आपको साइड माउंटेड देखने के लिए मिलता है, और इन्फिनिक्स के अंदर आपको रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने के लिए मिलता है। दोनों फोन के अंदर आपको इधर उधर की सभी सेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, सेंसर्स में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों फोन के अंदर आपको सिंगल स्पीकर, और दोनों फोन के अंदर आपको 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिल जाता है। और मोटो E32S के अंदर आप 1 TB तक मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर पाएंगे, और इन्फिनिक्स हॉट 12 के अंदर आप 256 GB तक मेमोरी कार्ड को एक्सपेंड कर पाएंगे। और उसके बाद दोनों फोन की प्राइसिंग की बात करते हैं तो मोटो E32S का 3GB प्लस 32GB वाला वेरियंट आपको 9,300 रुपये में देखने के लिए मिलता है, और 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको 10,000 रुपये में देखने के लिए मिलता है। और इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले की बात करते हैं यहाँ पर आपको 4GB प्लस 64GB वाला वेरियंट आपको 8,500 रुपये में देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स आप बात करते हैं आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेहतर होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी की तरफ से एक अच्छा खासा स्मार्टफोन चाहते हो तो यहाँ पर आपके लिए मोटो E32S बेहतर होने वाला है, क्योंकि अब आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, और डिजाइन भी आपको काफी जबरदस्त देखने के लिए मिलता है। और मोटोरोला का अपना ही एक ब्रांड वैल्यू है, लेकिन आपका बजट उतना ज्यादा नहीं है, आपका बजट टाइट है, 8,500 तक ही है। तो यहाँ पर आपके लिए इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले बेहतर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक बार ऐसा बैटरी देखने के लिए मिलता है, बार ऐसा डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, और इसके अंदर आपको एक पावरफुल प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसकी मदद से आप थोड़ी बहुत गेम भी खेल पाएंगे, जैसे कि BGMI, फ्री फायर वगैरह।
तो दोस्तों अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आपके लिए यहाँ पर इन्फिनिक्स हॉट 12 प्ले बेहतर होने वाला है, लेकिन आपको एक ब्रांडेड स्मार्टफोन चाहिए तो यहाँ पर आपके लिए मोटो E32s बेहतर होने वाला है, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं मिलता हूं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।